हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप, ओके, इंटीजर एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल है। x इक्वल टू मैंने 10 इसमें असाइन किया, ओके। अब मैं चाहता हूँ क्या कि इसको प्री इंक्रीमेंट करना। तो प्री इंक्रीमेंट हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग प्लस प्लस डिनोट करते हैं, ओके। तो ये प्लस प्लस हमें ये बताता है कि इसको इंक्रीमेंट करना है और इसी एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू को रिटर्न भी करना है, ओके। तो इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू x प्लस 1, और ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, x की वैल्यू के इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद इसमें रिटर्न कर देगा। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, ओके। बट एट द सेम टाइम हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें, y इक्वल टू x प्लस प्लस, इस तरह से हम लोग बात करें तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। इस ऑपरेटर को यूज करते हैं तो क्या होता है, जब x की वैल्यू पहले क्या होती है, x साइन होती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, ओके। इट मींस अगर मान के चले यहां पे x की वैल्यू 10 है तो y इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा यहां पर, ओके। तो इस तरह से हम लोग प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमें डिक्रीमेंट की बात करनी है, ये एक सेक्शन हो गया। अगर हम लोग डिक्रीमेंट करते हैं, ओके, तो y इक्वल टू ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट, ओके। तो ये हमारा जो सिंबल है माइनस माइनस, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू x माइनस 1, ओके। और ये जो एक्सप्रेशन है इसी में ही x की वैल्यू रिटर्न होगी माइनस करके, ओके। तो हम कंसीडर करते हैं अगर x की वैल्यू 10 है अभी, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y का वैल्यू जो हो जाएगा 9। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इधर y इक्वल टू, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर पोस्ट डिक्रीमेंट ये है तो यहां पर बात करें a x इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 है तो यहां पर हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। अब आप कहेंगे कि ये इंक्रीमेंट होके गया कहां, होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसकी वैल्यू को एक्साइन करेंगे, मींस जब आप इस एक्स की वैल्यू को सेकंड टाइम में यूज करेंगे तो ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होके 9 होगी, अब जाके इसमें असाइन होगा 9। एट द सेम टाइम आप यहां पे बात करें तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पर भी क्या होगा, जब आप वाई इक्वल टू x असाइन करेंगे, मींस x को हम सेकंड टाइम जब यूटिलाइज करेंगे तो उस टाइम में इस x की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी यहाँ पे, और ये बन गया होगा 11। नाउ यहाँ पर y हो जाएगा क्या, 11। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एट द एंड प्रिंट कर सकते हैं परसेंट d और क्या प्रिंट कर सकते हैं, y। सेम टाइम इधर भी हम लोग प्रिंट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप इस एग्जांपल को ट्राई करिए, आप जो भी कंपाइलर्स यूज कर रहे, जो भी आईडी यूज कर रहे, एक छोटा सा एग्जांपल है, ट्राई करिए। तो देखा कितना आसान है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को समझना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।